मैंने इस ड्रामे के बारे में आपको चार बातें बताई थी और चारों की चारों ही सच हो गई हैं। सबसे पहली बात जो मैंने इसके बारे में बताई थी कि इसमें यमुना का करैक्टर जो होने वाला है, जो आपने परीजाद में बबली बदमाश का करैक्टर देखा था जो सबूर अली ने किया था, वैसा करैक्टर होने वाला है टॉम बॉय का, और आपको अभी टीज़र में वही करैक्टर देखने को मिला। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस ड्रामे में वीमेन सेंट्रिक स्टोरी होने वाली है, मतलब औरत के हकूक और जो माशे में उसके साथ होते हैं और वो किस तरह उसको अपने हकूक को हासिल करने की जंग लड़ती है, उसके बारे में ये स्टोरी होगी। और टीज़र में वही स्टोरी दिखाई गई। यमुना का करैक्टर, यमुना का आउटलुक, जो अटायर्स हैं या जो उसका मेकअप है या जो उसकी विग लगी हुई, वो सब स्पॉट ऑन लग रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये ड्रामा संगे माँ को रिप्लेस करने जा रहा है ईद के बाद, ना कि काला डोरिया। और इस और ईद से पहले आपको इसके टीज़र्स देखने को मिल जाएंगे, तो पहला टीज़र भी आ गया। और जो चौथी बात मैंने कही थी कि इसके एपिसोड आपको 17 जुलाई को देखने को मिलेगी, संडे के दिन, तो इसकी एपिसोड तभी देखने को मिलेगी। तो टीज़र का रिव्यू ये है कि ड्रामा वाकई अच्छा लग रहा है। अब ये हिट एंड मिस वाला सीन होने वाला है, या तो ये ड्रामा बहुत बड़ा हिट हो जाएगा या फिर ये मिस जाएगा। क्योंकि अगर तो लोग इसकी स्टोरी के साथ कनेक्ट कर गए, अगर यमुना का करैक्टर भाग गया तो फिर ये ड्रामा हिट जाने वाला है, अदरवाइज़ ये फ्लॉप नहीं होगा बल्कि एक एवरेज ड्रामा जाएगा। क्योंकि जावेर की वजह से लोग काफ़ी डिसार्ट हैं कि एक तो वो नेपो किड है और फिर हम टीवी वाले उसे बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम दिए जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि यमुना की जोड़ी जावेर के साथ कैसी बनती है, और ये ड्रामा जावेर की वजह से फ्लॉप होता है या यमुना की एक्टिंग की वजह से चल जाता है। बाकी आप टीज़र देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आकर बताएं कि आपको टीज़र कैसा लगा, आपको यमुना का लुक कैसा लगा, बबली का करैक्टर अच्छा था या यमुना का करैक्टर अच्छा लग रहा है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।